Hello everyone, hi and welcome back to our channel. We are Bongers and this is our new video. And today we are going to listen Chunka by Zafar and Musa. And this is not the first time for us. We are listening Musa. We are hearing him from a long time just because ke hum logon ne Beni Khule suna hua hai. Hum logon ne Leela Wale suna hua hai. And then Chena Chena. And all of his songs resonates a thing that is its beat na. Hum logon ko Musa ka beat itna acha lagta hai na. Matlab we can't even express that in words. It's such an emotional and thing. Also his lyrics. I mean, how can you forget about his lyrics? Musa ka ek alag hi way hota hai wo log wo cheez ko present karne ke liye. Jo touch dete hai wo I think ki matlab ye sabse achhi wali baat hai ki old song ko wo lete hai and then wo new beats and usme lyrics dalte hai and usko like new generation ke liye present karte hai and that's the best thing about it. And all of you suggested us to listen more Bangladeshi songs, so we thought why not. तो हम लोगों ने ये वाला सॉन्ग को चूज किया था एंड आई एम नॉट गोना लाई टू यू. मैंने इस सॉन्ग का थोड़ा सा स्नैप रील पे सुना हुआ है तो लेट्स लिसन इट टुगेदर कि पूरा सॉन्ग कैसा होने वाला है. एंड ऑल्सो द वीडियो आई मीन वो भी देखना बाकी है अभी तक. ओके सो वन अ टू एंड थ्री एंड लेट्स स्टार्ट. Zafar इज न्यू फॉर मी. आई हैवंट हर्ड हर बिफोर. সতই তুমি বাহানা করো না কেন চুপি চুপি চোখের তো মানে ইয়ে वाला পার্টি শোনাতা ঠিক আছে সিরবে এভাবে কি জমে আই আই তো তরার তরে আই Why this song is giving me BMR feeling mood? I don't know. জীবন Zafar का मेरा फर्स्ट सॉन्ग था एंड शी रियली नेल्ड इट. आई मीन उनका जो अपीयरेंस था एंड उनका जो यार वॉइस था इट वॉज रियली कैची और वो एक
आई मीन डीप वॉइस के साथ इतना अच्छा खेल सकती है एंड आई कांट इमेजिन दैट लाइक एज शी सेड कि हर अपीयरेंस आई मीन इट वाज रियली रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ये बहुत ही ज्यादा एंड उनका हेयर स्टाइल आई मीन आई हैव सीन समथिंग न्यू आई थिंक कि यहाँ पर ये बहुत ही अलग था हम लोगों ने यार मूजा को बहुत बार सुना है और सच बताओ तो हम वीकली बेसिस पे सुनते हैं मूजा के हर एक गाने को तो इट्स यहाँ पे जो मूजा का जो ऑथेंटिक वाइब है ना जिन लोगों ने उन्हें सुना है पहले से दे कैन परफेक्टली से के ना उनका जो एक ऑथेंटिक वाइब आता है गाने में उनका एक जो स्पेशल टच रहता है दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर एंड आई रियली रियली लव द फैक्ट जब वो बंगाली में करते हैं ना वो जो पार्ट रहता है उनका हमेशा एंड दैट पार्ट आई मीन जब भी कोई सुनता है दे बी लाइक कि ये हम लोग नॉर्मली बोलते हैं लोगों को उसको लेके इतना अच्छे से म्यूजिक बनाना इट्स लाइक इनसेन एंड सिलेटी लैंग्वेज थ्रू हिज वॉइस साउंड्स on a different level. I know most of our viewers are not from Bengal. So, आप लोग हिंदी ज़्यादा सुनने में comfortable हो and the South Indian songs, but you should listen to this one because of that beat, yaar. I mean, music has no language and Mooza is breaking the boundaries over here. तो आप जाके सुनना ये वाला गाना and let us know कि आप लोगों को कैसा लगता है ये वाला song. क्योंकि यार Bengali में आप लोग कैसा react करने वाले हो, we really don't know. Nowadays, Chengiz is trending everywhere. So everyone is listening Chengiz song his Hindi version songs that's along with the Bengali ones but you should listen to this one this is the authentic Bengali and you should listen to Master D and his songs and Nish also because they present that wo jo Bengali ka ek folk wala part hai usko कैसे फ्यूजन करके अभी के जेनरेशन के लिए कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं मतलब मसाला मार के एंड वो हमेशा ना अपने गानों पे ऑथेंटिसिटी रखते हैं एंड दैट्स द बेस्ट थिंग आई मीन वो एकदम पूरा चेंज नहीं कर देते हैं जैसे कि कभी कभी हिंदी सॉन्ग्स में होता है कि वो लोग बंगाली सॉन्ग्स को लेते हैं एंड देन दे चेंज द होल पैटर्न बट दे डोंट डू ऑल दिस थिंग्स वो जो बंगाली जो लाइन रहता है उसको वो हमेशा अपर में रखते हैं एंड देन वो जो बाकी इंस्ट्रूमेंट पे भी ध्यान दे तो आपको वो एक बंगाली वाला टच मिलेगा दो तारा का टच मिलेगा यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा इंजॉयिंग है ये वाला सॉन्ग ग्रूविंग ग्रूविंग वाला है एंड यू कैन ऑब्वियसली लिसन टू इट ऑन बीहे बड़ी एज आई वाज सेइंग कि ना ये वाला इतना डोप लगाना मुझे ये किसी भी शादी फंक्शन में लगा दो यार लाइक इट्स लाइक दैट मच एंगेजिंग वी टोटली लव दैट होप यू लव द रिएक्शन टू प्लीज लेट अस नो कि आप लोगों को ये वाला सॉन्ग कैसे लगा we are going to drop down that link in the description box check it out from there well thank you so much for joining us till the end please give us a thumbs up like our reaction aur zyada se zyada share karo hamare video ko ke jaldi se jaldi hame 50k complete karna hai okay bye we'll make a next video